सेक्शन जो कि 125cc में आता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके बेसिक्स मॉडल में क्या क्या चेंजेस आया है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी पूछना होगा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसमें आपको चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एलईडी में डीआरएस देखने को मिल रहे होंगे फ्रंट लुक में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और इसमें स्मार्टएक्स कनेक्टिविटी भी आपको मिलता है, जिससे कि आप अपने फोन को डायरेक्ट ब्लूटूथ से इस स्कूटी में कनेक्ट कर सकते हैं। आप बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में, तो आप जैसे कि आप इसके टायर्स को देख सकते हैं आपको इसमें यहाँ पे 100x80 का टायर मिलता है फ्रंट में 12 इंच का। और बात करते हैं इसके फ्रंट के लुक की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे लुक में आ रहे हैं। और बात करते हैं इसके लाइट की, तो लाइट्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एक बार स्कूटी स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आपने इसके लाइट्स को देखा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको दोनों इंडिकेटर सब साथ में जला सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका स्विच मिल जाता है। तो अगर आप इसे इस साइड कर दीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है। आप बात करते हैं इसके मीटर कंट्रोल के बारे में, तो जैसा कि फ्रेंड्स अब आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हैं, आपको इसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, ये इंजन माल फंक्शन लाइट है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का दोनों साइड का लाइट्स दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको इको मीटर मिल जाता है देखने को। बात करते हैं तो आप इसमें अपने फोन को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टएक्स कनेक्टिविटी के थ्रू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ 125 रेस एडिशन का बैजिंग भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं आप इसे प्रेस कर सकते हैं, इसमें आपको टॉप स्पीड रिकॉर्डर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस साइड की, तो आपको यहाँ पे स्विच देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अपने इंडिकेटर्स को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप उसे ऑन कर सकते हैं, जिससे कि दोनों इंडिकेटर्स आपके एक साथ ब्लिंक होंगे। बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको इसकी की देखने को मिल जाती है जो कि इस टाइप में आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट का यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को मिल जाता है, ये आपकी यहाँ पे इंजन की। और बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड आपको इसी में पास स्विच भी देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का स्विच देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है, मैं इसका हॉर्न आपको सुना देता हूँ, तो काफी लाउड आपको इसमें हॉर्न देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके इस साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फुटपैक्स देखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पे आपको नाइट्रोक्स 125 का आपको बैजिंग देखने को मिलता होगा रेस एडिशन, तो नाइट्रो का ये रेस एडिशन है। बात करते हैं इसके फ्यूल लीड की, तो फ्यूल लीड यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्यूल लीड एक्सटर्नल देखने को मिलता है, जिससे कि आप इजिली बाहर से अपने फ्यूल को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके रेयर सेक्शन की, तो रेयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एलईडी में टेल लाइट देखने को मिल रहा है और इसका जो दोनों इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि इसमें इंटीग्रेटेड है, जो कि इसमें आपको फिटेड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्कूटी एग्जॉस्ट कंपनी ऑफर करती है जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है। और बात करते हैं इसके रेयर की टायर की, तो रेयर में इसमें आपको टीवीएस के टायर्स देखने को मिलते हैं जो कि 110x80 का आपको इसमें 12 इंच का टायर देखने को मिलता है। हम बात करते हैं इसके इस साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको इसमें 3 बल्ब का इंजन देखने को मिल जाता है, 125cc में आपको इसमें 3 बल्ब का इंजन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कंपनी इसमें किक भी ऑफर कर रही है, जिससे कि जो इसका आपको मतलब जो स्टार्ट करने का जो प्रॉब्लम है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी बैटरी कभी डेड हो जाती है तो आप किक के थ्रू इजिली अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर सकेंगे, जो कि काफी अच्छा और एक काफी प्लस पॉइंट हो जाता है इस स्कूटी का। बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फुटपैक्स रखने के लिए यहाँ पे आपको एक पैसेंजर के लिए आपको मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको फुटपैक्स रखने के लिए मिल जाता है। और बात करते हैं इसके सीट की, तो आप यहाँ पर जैसे कि इसका सीट देख सकते हैं आपको टेक्सचर में सीट देखने को मिलता है जो कि डुअल टोन में है और काफी अच्छा लुक दे रहा है इस सीट को। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा आपको एक ब्रेक बाइट प्रोवाइड करेगा। अगर आप देखते हैं तो इसका जो ब्रेकिंग है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बैजिंग भी मिल जाता है 125 का। तो फ्रेंड्स ये रहा इस स्कूटी के बारे में फुल डिटेल्स, ये बीएसिक्स में आ चुकी है नाइट्रोक्स एडिशन। तो बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की, तो हमारे एरिया में जो झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो आपको लगभग 95,000 to 96,000 के बीच में देखने को मिल जाता है। हो सकता है आपके एरिया में जो ऑन रोड प्राइस होगा वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है, क्योंकि वहाँ के जो आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, सारे स्टेट का अलग अलग होता है, बट अप्रॉक्स में आपको यही प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये रहा फ्रेंड्स इस स्कूटी के बारे में फुल डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।